हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ भूमिका शर्मा फ्रॉम एम बी इंटरनेशनल स्कूल नया गाँव कोटा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर 15 सीजन्स अराउंड अस ऑफ सोशल स्टडीज। लेट्स स्टार्ट सीजन्स अराउंड अस। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व डेट ऑल मंथ्स डू नॉट रिमेन द सेम। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सारे मंथ एक जैसे नहीं होते हैं। ड्यूरिंग सम मंथ्स यू फील वेरी कोल्ड। कुछ ड्यूरिंग सम मंथ्स, कुछ मंथ्स आपको लगता होगा बहुत ज़्यादा सर्दी लगती होगी। एंड लाइक टू ड्रिंक हॉट कॉफ़ी, आपको हॉट कॉफ़ी पीने का मन होता होगा, टी पीने का मन होता होगा। एंड वियर वूलन क्लोथ, और आप वूलन क्लोथ पहनते होंगे। वाइल ड्यूरिंग सम मंथ्स यू फील वेरी हॉट, और कुछ मंथ्स आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती होगी। एंड यू लाइक टू हैव कोल्ड ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम्स एंड वियर कॉटन क्लोथ्स, और आपका कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, ठंडी ठंडी चीज़ें खाने और पीने का मन होता होगा, और आप कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। सम मंथ्स हैव हैवी रेनफॉल, और कुछ मंथ्स में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, बारिश होती है। दीज चेंजिंग वेदर्स कंडीशन गिव बर्थ टू द डिफरेंट सीजन्स, और यही चेंजिंग वेदर कंडीशन, ये जो वेदर बार बार चेंज होता है, इन्हीं को सीजन्स बोलते हैं। सीजन रेफर टू ईच ऑफ द फोर पीरियड्स ऑफ द ईयर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर ओन टिपिकल वेदर कंडीशंस। अच्छा, जो वेदर कंडीशन चेंज होती हैं उनके अकॉर्डिंगली मेन फोर सीजन्स होते हैं। देयर आर थ्री मेन सीजन्स, विंटर, समर एंड मॉनसून, जिसको हम रेनी बोलते हैं। तो उनमें से जो थ्री मेन सीजन्स हैं वो विंटर, समर और रेनी सीजन है, मीन्स मॉनसून। द टू सब सीजन्स आर ऑटम एंड स्प्रिंग, एंड जो फोर्थ सीजन है वो टू सीजन से मिलकर बनता है, ऑटम एंड स्प्रिंग। नाउ इन विंटर सीजन, अब हम विंटर सीजन के बारे में पढ़ेंगे। इन विंटर सीजन द सन डज नॉट शाइन ब्राइटली, विंटर सीजन में जो सन होता है वो ज़्यादा ब्राइट नहीं होता है। द डेज आर शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्गर, जो डेज होते हैं वो शॉर्ट होते हैं और जो नाइट्स होती हैं वो बड़ी होती हैं। एट सम प्लेसेस देयर इज स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर सीजन, और कुछ प्लेसेस पे स्नोफॉल भी होता है सर्दियों के टाइम, सर्दियों के सीज़न में। वी फील कोल्ड विंड्स, और हमें कोल्ड विंड्स फील होती है, ठंडी हवा लगती है। वी वियर वूलन क्लोथ्स एंड लाइक टू ईट हॉट थिंग्स, हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं और हॉट चीज़ें खाना या पीना पसंद करते हैं। वी सिट नियर द फायर और इन द सन, हम फायर में, मतलब फायर के पास बैठते हैं या फिर सन में बैठते हैं। नाउ इन समर सीजन, समर सीजन के बारे में पढ़ेंगे हम। द सन शाइन्स ब्राइटली, समर सीजन में जो सन होता है वो ज़्यादा ब्राइट होता है। द डेज आर लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टर, जो डेज होते हैं वो बड़े होते हैं और नाइट होती हैं वो छोटी होती हैं। द हॉट एंड ड्राई विंड दैट ब्लोज ड्यूरिंग समर इज कॉल्ड डू, और जो समर सीजन में, गर्मियों के सीजन में जो हॉट और ड्राई विंड चलती है, आती है, उसे हम क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। वी लाइक टू प्ले इनसाइड आर हाउसेस एंड इन शेड, हम अपने घर के अंदर या फिर छाया में खेलना पसंद करते हैं। वी ईट एंड ड्रिंक कोल्ड थिंग्स, हम ठंडी चीज़ें खाना और कोल्ड चीज़ें खाना पसंद करते हैं। वी वियर कॉटन क्लोथ्स, हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। टू कीप आर सेल्फ कूल वी यूज़ फैंस, एयर कूलर्स और एयर कंडीशनर, हम अपने आप को कूल रखने के लिए फैंस का, एयर कूलर्स का या एयर कंडीशनर्स का यूज़ करते हैं। नाउ इन मानसून सीजन, हम मानसून सीजन के बारे में पढ़ेंगे। वी डू नॉट सी द सन फॉर मैनी डेज, मानसून सीजन में क्या होता है, हमें कई कई दिन तक सन दिखता ही नहीं है। जनरली डार्क क्लाउड्स रोल्ड अप एंड हाइड द सन, घने बादल छा जाते हैं और उनके पीछे सन छुप जाता है। द ब्लैक क्लाउड्स ब्रिंग रेनफॉल, और जो काले बादल होते हैं वो रेनफॉल करते हैं, रेन करते हैं, मीन्स बारिश होती है। वी यूज़ अम्ब्रेलाज एंड रेनकोट्स इन रेनी सीजन, हम बारिश से बचने के लिए अम्ब्रेलाज और रेनकोट्स का यूज़ करते हैं। द कूल ब्रीज मेक्स द वेदर प्लीजेंट, और जो ठंडी ठंडी हवा चलती है वो वेदर को प्लीजेंट, अच्छा बनाती हैं। बिटवीन मानसून एंड विंटर देयर इज ऑटम, और मानसून और विंटर के बीच में जो वेदर आता है वो होता है ऑटम सीजन, मीन्स ड्यूरिंग विच ट्रीज शेड देयर लीव्स, और इसमें क्या होता है, जो ट्रीज होते हैं वो अपनी जो लीव्स होते हैं वो झड़ जाती हैं उनकी लीव्स। बिटवीन विंटर एंड समर देयर इज अ स्प्रिंग, और विंटर और समर के बीच में जो सीज़न आता है वो होता है स्प्रिंग। ड्यूरिंग विच वेदर इज़ वेरी प्लीजेंट, और इस सीज़न में जो वेदर होता है वो बहुत प्लीजेंट और अच्छा होता है। इट इज़ नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, देयर आर फ्लावर्स ऑल अराउंड, और ये ना तो ज़्यादा ठंडा ना तो ज़्यादा गर्म होता है, और हर तरफ फ्लावर्स होते हैं।
द सीजन्स अफेक्ट आर लाइफ वेरी मच. ऐसे हमारी जो सीजन्स हैं वो हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं. डेट्स कॉज अ चेंज इन आर फूड हैबिट्स, क्लोथिंग एंड एक्टिविटीज़. वो हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंज लाते हैं. कैसे? फूड हैबिट्स में, क्लोथिंग में और हमारी एक्टिविटीज़ में. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस. थैंक यू.